हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरसीजी हंट। बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो चीज हमारे हाथ में आ चुकी है, सैमसंग टाइप सी ईयरफोन्स जो ओस्मो एक्शन के में बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है, तो इसको अभी हेलमेट में लगाते हैं और चलते हैं एक टेस्टिंग पे, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये। लेट्स गो। तो देखते हैं क्या बनता है मामला इसका। तो चलो भाई, तुम तो वापस जाओ। सब ओपन वाइजर साउंड है और देखते हैं इसमें कोई विंड वगैरह की नॉइज तो नहीं आ रही है। और उसके बाद में फिर हम इसको अब शटर डाउन कर रहे हैं। और अब देखते हैं किस तरह की साउंड आती है। तो उम्मीद तो यही है कि इस वाले माइक्रोफोन से साउंड बहुत बेहतरीन आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इसको यूज़ करते हुए और बहुत ही क्रिस्पी साउंड आती है बिना किसी तामझाम के। तो एक टेस्ट राइड मैंने सोचा ले ही लेते हैं। सेटअप भी देखा मैंने क्या सेट करा हुआ था। तो ये चल दिए हम यहाँ पे बहुत तेजी से अभी। ओहो, 60 पे था मैं, तो 60 पे तो साउंड सही थी। अभी इसकी 40 और ये 60 पे साउंड कैसे आ रही है। अरे यार, इतना तो उठता नहीं है, इतना लोकल में 60 तक पहुंचने पर ही हालत खराब कर देते हैं, कोई ना कोई ब्रेक लगाने वाला आ जाता है। चलो फिर देखते हैं, हम अपनी कॉलोनी में ही चलते हैं। ये यहाँ नहीं चल पाएगा, हाईवे पे ही पता लगेगा ज्यादा हाइट। यहाँ तो 60 तक ही पहुंच जाती है, तो बहुत समझो कि हाँ जी बहुत आवाज आ गई। सही, इतना ही चेक हो सकता है। इससे ज्यादा चेक करना के लिए तो फिर एक्सप्रेस वे वगैरह जाना पड़ेगा। लोकल में तो इतने स्पीड ब्रेकर्स और ये सब चीजें हैं, ये पूछो मत। तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है मकानों का, फिर सारा घर रोका हुआ, कई साल से बन रहा है मकान, सब रास्ते रोके हुए हैं। हाँ, इसमें अभी बाइक की आवाज देखनी है कि बाइक का आवाज कैसे आती है, क्योंकि उसी हिसाब से गेन एडजस्ट करना है। हाँ जी, तो एक ये छोटा सा राउंड था हमारा जो हमने लगा दिया। अब अपना देखते हैं आगे का, ऊपर चल के इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। फोन निकाल लें अपना। चलो जी, तो अभी हमने एक राइड ली थी जिसमें हमने ये सैमसंग के टाइप सी ईयरफोन यूज किए हेलमेट में और उसकी साउंड टेस्ट की। तो अभी नॉर्मल जो भी गेन था उसमें वही था, मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी थी, बिल्कुल नेचुरल सीधे, क्योंकि टाइप सी के हैं ये तो डायरेक्ट उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके जिस तरह की भी साउंड आ रही थी वो देखी पहले, फिर समझा कि बाइक की कितनी साउंड आ रही है, मेरी वॉइस कहाँ पर जाके खराब हो रही है, क्योंकि उसी के बाद हम इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमें कितना गेन रखना है और नॉइस रिडक्शन जो है वो कितना करना है। क्योंकि कैमरे की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें सब कुछ आप मैनुअली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। गोप्रो की तरह इसमें ऑटोमेटिक नहीं है कि गोप्रो एडजस्ट करेगा, आप जो भी चीजें लगा रहे हो वो उसको अपने आप सेट करता है। इसमें आप मैनुअली सेट करते हैं हर चीज को, चाहे कुछ भी चीज हो, आप इसमें हर चीज अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। हर साउंड को, हर क्वालिटी पिक्चर को, पिक्चर की क्वालिटी को, या और भी जो कुछ भी इसमें अंदर फंक्शंस हैं।
सब कुछ मैनुअली आप अपने हिसाब से, जैसी आपकी जरूरत हो, जो चीज आप यूज कर रहे हो उसकी साउंड क्वालिटी के हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस कैमरे की सबसे बेस्ट बात है, और ये डायरेक्ट लग जाता है, बहुत कुछ नहीं होता, सिर्फ कैमरा और एक ये इसको लगाओ और आप आराम से चलो। तो इसकी ये बेस्ट बात है, तो मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके गेन वगैरह एडजस्ट करके और फिर कभी फ्यूचर में आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रॉपर जो भी मेरी सेटिंग्स हैं उसके हिसाब से टेस्ट करूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय।